बड़ौत में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इकट्ठा होकर एसडीएम के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई। इन महिलाओं का आरोप था कि उनके राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, जिस कारण उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि अधिकारियों द्वारा उनके नाम कई बार दर्ज किए जा चुके हैं ताकि उन्हें राशन दिया जा सके। इसके बावजूद अभी तक उन्हें राशन नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान महिलाओं ने न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही किसी कार्रवाई का डर उन्हें था। मामले को बिगड़ता देख तहसील में मौजूद अधिकारियों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को किसी तरह समझाते हुए, कतारबद्ध कराते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उनसे करवाया। नहीं, हंगामा कोई नहीं किया है। उसमें से कई महिलाएं ऐसी थी कि जिनका राशन कार्ड है, उनका ये कहना था कि इस बार हमें केवल जो है चावल मिला है, तो चूँकि सरकार की तरफ से इस बार केवल चावल ही मुफ्त में देने की योजना थी और पहले जो है गेहूँ का वितरण किया जा चुका है, और उसमें से कुछ महिलाओं को जिनकी यहाँ स्थिति अच्छी नहीं थी पहले भी राशन के पैकेट दे दिए गए हैं, यदि इसके बाद भी कोई ऐसा बचता है कि जो पात्र होगा और उसके पास राशन नहीं होगा तो राशन का पैकेट उपलब्ध करा दें। मैं बड़ौत काशीराम कॉलोनी से, मलकपुर वाली कॉलोनी से हूँ, और ये दलवीर कॉलोनी से, पांडव नगर से और पट्टी चौधरान से, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसके लिए राशन के लिए बैठे हैं यहाँ पर। कोई जो भी है बस उसे दिया जा रहा है, जो जानकार आदमी है उसके राशन घर तक पहुँचा दे, गिने चुने आदमी के लिए और किसी के पास राशन नहीं दिया जा रहा है।